नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस के मुताबिक सुशांत पिछले 6 महीनों से डिप्रेशन में थे। अब सुशांत के क्रिएटिव मैनेजर सिद्धार्थ पिठानी ने बताया कि कुछ वक्त के लिए सुशांत ने उन्हें जाने के लिए कह दिया था, वो कुछ दिनों के लिए सुशांत के साथ नहीं थे। क्रिएटिव मैनेजर सिद्धार्थ पिठानी ने अपने बयान में कहा कि वो अक्टूबर 2019 से जनवरी 2020 तक के बीच में सुशांत के साथ नहीं थे। सिद्धार्थ पिठानी के मुताबिक अक्टूबर में जब सुशांत सिंह राजपूत ने उन्हें जाने के लिए कहा, उस दौर में वो डिप्रेशन में थे, लेकिन जनवरी में वापस उन्होंने अपने क्रिएटिव मैनेजर सिद्धार्थ पिठानी को उसकी टीम के साथ वापस बुला लिया। पुलिस की माने तो सुशांत सिंह राजपूत जनवरी से अपने एक प्रोजेक्ट को शुरू करने की तैयारी में थे। उनके घर से बरामद दस्तावेज में जीनियस एंड ड्रॉपआउट नाम की एक स्क्रिप्ट मिली है, जिसे ड्रीम 150 भी कहा जा रहा है। सुशांत आखिरी बार फिल्म छिछोरे में नजर आए थे। इस फिल्म को काफी ज्यादा पसंद किया गया था। वहीं श्रद्धा कपूर सुशांत के ऑपोजिट रोल में भी थी। तमाम अपडेट्स के लिए इसी तरह बने रहिए हमारे साथ।